है, व्हाट इज द एडवांस एक्सेल? क्या एडवांस एक्सेल डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, या एडवांस एक्सेल एक्सेल के सम फीचर, लिस्ट ऑफ फीचर्स है दैट कॉल एडवांस एक्सेल? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कहीं भी ये चीज को रिवील नहीं किया है कि ये फीचर्स द बेसिक, दिस फीचर इज एडवांस। बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारी यूजेस के ऊपर। अब इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देंगे जिसमें आपको समझ पाइएगा कि आखिर हम क्या आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जस्ट एक्सेल फाइल खोल रहा हूं, यार राइट। सो मैंने यहां पे 20 टाइप किया एंड हियर इज द 30, एंड वी हैव कॉपी 20 एंड पेस्ट ओवर 30। जब इसमें हम पेस्ट करते हैं 30, तो पेस्ट 30 जो है आपका 20 से रिप्लेस हो जाता है। जब इसको कॉपी करके इसके ऊपर हम पेस्ट करते हैं तो 30 जो है आपका 20 से रिप्लेस हो जाता है। बट इन द एक्सेल हैव ए न्यू फीचर एट पेस्ट स्पेशल। इन द पेस्ट स्पेशल मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है ऑपरेशन। पेस्ट स्पेशल क्या है? पेस्ट स्पेशल है कि जहां से आपने कॉपी किया है उस पूरे एरिया को नहीं, उनके सम पर्टिकुलर पार्ट को आप पेस्ट कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर पार्ट आप यहां पे चूज कर सकते हैं। ओके, सो इसी सेक्शन में नीचे आप देखेंगे ऑपरेशंस है। इन द ऑपरेशंस हैव एडिशन, यहां पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब मैंने यहां पे ऐड को क्लिक किया एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो आप देखिए यहां पे पेस्ट नहीं हुआ। बिटवीन 20 एंड 30 हैव एडिशंस, रिजल्ट 50 विल बी पेस्ट हियर, राइट। सो राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में हमने कोई भी ऑपरेशन चूज करना है, हम मल्टीप्लाई चूज करते हैं, तो बिटवीन 20 एंड 50 मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट यहां पेस्ट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा? वी हैव लर्न कि हाउ कैन अप्लाई द पेस्ट स्पेशल एंड द ऑपरेशन पार्ट। तो यहां पर हमने जस्ट सीखा कि कोई पर्टिकुलर फीचर क्या है, क्या करती है और उससे क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, इनके बारे में जाना। तो इसको हम बेसिक एक्सेल कह सकते हैं। दिस इज द बेसिक एक्सेल कि आपने जाना कि पर्टिकुलर टॉपिक क्या परफॉर्म करती है और कैसे अप्लाई होता है इनके बारे में। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इतना जानने से आप ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे। आपको जानना होगा ऑफिशियल इन्वायरमेंट के बारे में कि ऑफिस में इसका यूज क्या है। तो कोई पर्टिकुलर ट्रेनर आपको यही पढ़ाएगा, लेकिन किसी वर्किंग प्रोफेशनल, मुझसे या मेरे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल से आप क्लासेस लेंगे तो आपको प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन बताएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं कि इन द एक्सेल इफ यू वांट टू टाइप द 20% राइट हियर 20 एंड परसेंट सिंबल, प्रेस द एंटर, रिजल्ट आपको 20% आएगा। अगर मैंने 20 टाइप किया एंड सिलेक्ट द 20 एंड अप्लाई द परसेंटेज फॉर्मेट फ्रॉम द होम मेनू बार, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे 2000% होगा, बिकॉज इन द एक्सेल वॉट इक्वल टू 100%। अब इसे मुझे पता चलता है कि मुझे बाद में अगर परसेंटेज लगाना हो तो 0.20 वी हैव टाइप द डेस इन द डेसिमल, 20 डिवाइड बाय 100 लाइक दैट। तो यहां पे डेसिमल में टाइप करेंगे, आफ्टर दैट वी हैव परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे ऑफिस में एक कलीग है, ही सेंड द डेटा। उन्होंने टाइटल क्या किया? टाइटल डाल दिया परसेंटेज का एंड सिलेक्ट द हियर, कॉपी एंड पेस्ट। सी हियर, ये डेटा है राइट। अब मेरे कलीग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माय कलीग, दिस डेटा इज द इन परसेंटेज, जैसे 22% है, 62% है, बट एज पर एक्सेल ये 22 नंबर है, 62% है, 62 नंबर है, नॉट ए परसेंट। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके परसेंट करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से 2200, 6200% हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मुझे अपने डेटा में यूज करना है। अब जैसे कि मुझे 500 का 22% निकालना है, 22 अगर परसेंट सिंबल के साथ हुआ तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टूगेदर, हम आपस में मल्टीप्लाई कर सिंपली। लेकिन 22 इन द नंबर हुआ तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा। सो नीड टू चेंज द फॉर्मूला, जस्ट लाइक वी आर राइट द डिवाइड बाय 100, देन प्रेस द एंटर, गॉट द रिजल्ट।
अब प्रॉब्लम ये है कि इस डेटा को जहां मुझे यूज करना है, जिस डैशबोर्ड में मुझे यूज करना है, जिस रिपोर्ट से मुझे यूज करना है, वहां मुझे 22% में चाहिए, नॉट ए 22 नंबर। कैसे करें? तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं वन बाय वन जाऊं और F2 प्रेस करूं, या जस्ट डबल क्लिक हियर एंड अप्लाई द परसेंट सिंबल, डबल क्लिक हियर एंड अप्लाई द परसेंट सिंबल, डबल क्लिक हियर एंड अप्लाई द परसेंट सिंबल। बट दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपके पास डेटा काफी बड़ा हो, काफी बड़ा डेटा हुआ, जस्ट लाइक 1000, 3000, 5000 डेटा हुआ, सो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। एक एक करके चेंज करना लॉन्ग टाइम हो जाएगा और कर भी नहीं पाएंगे। अगर 10-20 हजार डेटा हुआ तो आप कर भी नहीं सकते, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, 0.22, 0.32, 0.40, लाइक दैट। बट ये भी तो मैनुअल करना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ मैनुअल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमने अभी जो सीट वन पे एग्जाम्पल बताया, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। वी जस्ट राइट द 100 एनीवेयर एंड कॉपी द 100 एंड सिलेक्ट द ऑल डेटा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड जस्ट क्लिक द डिवाइड, जस्ट क्लिक ऑन द डिवाइड। अब यहां पे डिवाइड क्लिक करने से एवरी नंबर डिवाइड बाय 100, जब नंबर्स को 100 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर नंबर लेस देन 100 हुआ तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने यहां बताया कि हमने डेसिमल में लिखे हैं तो उसको परसेंटेज में इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप कंपेयर करें कि सेम टॉपिक सीट वन में आपको पढ़ाया गया, तो इस टॉपिक को आपने हल्के में लिया, नॉट यूजफुल लगा, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसी टॉपिक को जब मैंने एक एक्सेल सीट में आपको पढ़ाया, एक प्रॉब्लम बेस्ड सीट पे पढ़ाया, तो आपको समझ में आया कि नहीं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस प्रॉब्लम को इस तरह के टॉपिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांस एक्सेल, और जो हमारी क्लासेज है, इस क्लासेज में आपको इसी तरह की चीजें पढ़ाई जाएगी सेम। अब बात करते हैं कोर्स सिलेबस के बारे में। तो मेरे पास दो तरह की क्लासेस है। फर्स्ट वन टू वन, वन टू इन द मेन सेंस एक बैच एक स्टूडेंट, जी हाँ, एक बैच एक स्टूडेंट, इसको हम वन टू वन क्लास करते हैं। वो एक क्लास कौन लोग लेते हैं? जिनको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से ट्रेनिंग लेना है, जिनके पास टाइमिंग में प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी ज्वाइन कर पाएंगे कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको लॉट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोग वन टू वन क्लास को प्रेफर करते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से, बैच के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से पढ़ सके। अगर आप वन टू वन क्लास ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास दो तरह की कोर्स है। एक हमारा ओल्ड कोर्स है, ओल्ड कोर्स इट मीन्स नॉट ए ओल्ड एक्सेल, एक्सेल आपका अपडेटेड ही रहेगा 365, बट ये सिलेबस है, ये सिलेबस हमारा करीब 2 साल पुराना है। इसके अंदर में क्या क्या कवर होगा? इसमें मैं सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट यूजेस फीचर्स, पिवट टेबल एंड पिवट टेबल डैशबोर्ड। अब बोले किस तरह की डैशबोर्ड, सो आई शो यू द सम एग्जांपल ऑफ द डैशबोर्ड। जस्ट लाइक डैशबोर्ड, ये डेटा है, आप देख सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, इसको हमने समराइज किया एंड देन विजुलाइज किया, दैट इज द डैशबोर्ड। इस तरह के आप कई सारे डैशबोर्ड्स बना सकते, बनाएंगे, दिस टाइप ऑफ द डैशबोर्ड। ये सारे क्लासेस की आपके टॉपिक रहेंगे। ओके, सो दिस इज द डैशबोर्ड। सो इस तरह की डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे अपनी क्लासेस। आफ्टर दैट हम 500 फॉर्मूले के आसपास बात करेंगे, देन जिसमें हम लुकअप फॉर्मूला, मैथमेटिकल डेटा समराइजेशन, एडवांस फॉर्मूला, एंड हम कुछ रिपोर्ट को फॉर्मूले के थ्रू ऑटोमेट भी करेंगे, एंड हम बात करेंगे चार्ट्स एंड डैशबोर्ड विथ फॉर्मूले के बारे में। ये हमारी वन टू वन क्लासेज में आपका एक कोर्स है। अगर वन टू वन ही लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक और कोर्स है जो कि मैंने पिछले महीने डिजाइन की है, वो भी हम आपको समझा देते हैं, आप चूज कर लीजिएगा, देन हम ग्रुप क्लास के बारे में बात करेंगे।
ये हमारी वन टू वन क्लासेज है जिसमें मेरे 5 माइलस्टोन है। ये पूरी की पूरी बेस है डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन विद एडवांस एक्सेल। डेटा एनालिसिस एंड एमआईएस इस कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्ट डेटा एनालिसिस एंड एमआईएस एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम पे आप किसी भी तरह के डेटा पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट एडवांस एक्सेल मिलेगा, जो मैंने पहली कोर्स आपको दिखाया, ए वाली कोर्स, एक कोर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे मोर देन 20 पिवट टेबल डैशबोर्ड। अभी जो मैंने आपको दो तीन डैशबोर्ड पढ़ाया, इस तरह के हम 20 डैशबोर्ड कवर करेंगे इसके अंदर। आफ्टर दैट हम बात करेंगे मास्टर डेटा ट्रेनिंग कोर्सेज, क्योंकि जैसे जब भी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो डेटा हमारा सही ढंग से हमेशा आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो डेटा को हमने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने के लिए हम डेटा प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस डेटा एनालिसिस टेक्निक, कि हमने यहाँ पे चार्ट क्यों लिया, कलर क्यों लिया, हम कब क्या लेंगे, कैसे कंपेयरिंग करेंगे, क्या रिपोर्ट्स होती है, उसके बारे में बात करेंगे, और साथ बात करेंगे एट्रैक्टिव रिपोर्ट में। अब देखिए, पहले वाले कोर्स में क्या है कि आपकी डैशबोर्ड जो है वो बिलो 5 to 6 7 डैशबोर्ड, या आपको मैंने बिलो 5 ही डैशबोर्ड आपको पढ़ाया जाता है। बट दूसरे कोर्स के अंदर में तकरीबन 20 to 40 डैशबोर्ड पढ़ाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेक्शन है रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए और डैशबोर्ड्स के लिए, मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ऐसे 20 से 40 डैशबोर्ड कराए जाएंगे। एक्सेल के जो एआई है, चैट जीपीटी है, को पायलट है, और पायथन की जो कोडिंग होती है वो भी कराई जाएगी। ये क्लासेज आपको 1 to 1 में मिलेगा। किसमें मिलेगा? 1 to 1। अब मेरी ग्रुप क्लास, जिसकी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट भेजी थी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो आपकी टाइम ज्यादा ना लेते होगा। ग्रुप क्लास ये रहा। अब इस ग्रुप क्लास में सबसे पहले बता दो, एक कंप्लीट एडवांस एक्सेल 365 बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, इसके अंदर में आपको एक्सेल के जितने भी फीचर्स हैं, फाइल से लेके डेवलपर तक, ये सारे के सारे आपको कवर किए जाएंगे। इसके कोई ऑप्शन छोड़ूंगा नहीं मैं, हर एक चीज, होम में, इंसर्ट में, पेज लॉट में, फॉर्मूला, और सारे टॉपिक जो होगी वो प्रॉब्लम बेस्ड होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बेस्ड कराया, इस तरह की प्रॉब्लम बेस्ड हो। देन हम बात करेंगे पिवट डैशबोर्ड। इसमें हम आपको 2 3 से 4 डैशबोर्ड कवर करेंगे, इस तरह के जो डैशबोर्ड है वो कवर करेंगे। इसमें मैं 2 से 3 मैं बताऊंगा, और 2 से 3 आपको बनाने हैं, आपके आपसे बनवाऊंगा, बनाने में हेल्प करूंगा। आफ्टर दैट इसमें 300 फॉर्मूला, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले है, जैसे नेस्टेड इफ हो गया, इफ्स हो गया, लुकअप्स होंगे, एक्स लुकअप हो गया, लैम्डा हो गया, इसके बाद सम इफ के फॉर्मूले होंगे, जो नए और ग्रुप वाइज फॉर्मूले आए हैं, ऐसे सारे फॉर्मूले इसके अंदर हम आपके साथ कवर करेंगे। देन हम इसमें बात करेंगे पावर क्वेरी के बारे में, बट बता दो पहले पावर क्वेरी का एम लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है इसमें। देन हम बात करेंगे डायनेमिक चार्ट, जो कि हमारे डैशबोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो क्लासेस होगी आपकी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा। उसके बाद इसमें आपको टॉपिक टू टॉपिक इंटरव्यू क्वेश्चंस से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, कि ये चीजें इंटरव्यू में इस तरह से चीजें पूछी जाती है। हर क्लास की डेली रिकॉर्डिंग, अभी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है ये भी रिकॉर्ड हो रही है, तो क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ताकि आप प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखो। ओके, तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। इसकी आपके 25 लाइव क्लासेस, ये 25 एवरेज है, ये 30 भी जा सकता है, 35 भी जा सकता है। तो मेरा 2 महीने, 1.5 से 2 महीने का सेशन होता है, 2 महीने के लेके चलिए आपकी क्लासेस चलेगी। ये रात को 10 से 11 बजे 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, बट इसमें 10 से 12 लोगों की सीट है, तो लिमिटेड सीट है, तो आपको उसको बुक करना पड़ेगा। ये आपको मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, 3 दिन हफ्ते में होगा, 3 डे इन द वीक होगा। एक दिन मैं क्लास दूंगा, फिर मटेरियल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, अगले दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले दिन क्लास हो, इस तरह से सेशन चलेगा। अब आपके पास एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, फीस के बारे में बता दूं आपको, 1 to 1 क्लास अगर आप लेते हैं, तो हमारा जो कोर्स 1 है, जिसकी ड्यूरेशन 2 महीना है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी 1 ही घंटे, इसकी फीस आपको 10,000 रुपीज पड़ेगी। दूसरा जो मेरा लेटेस्ट कोर्स है, जिसमें हम 5 माइनस स्टोन कवर कर रहे हैं 40 डैशबोर्ड के साथ, इसकी ड्यूरेशन तकरीबन आपको पड़ेगी 4 महीने के आसपास, और इसकी जो फीस होगी आपकी 20,000। लेकिन जो पहले वाले कोर्स का सिलेबस जो मैंने ग्रुप क्लास में डाला हुआ है, अगर ग्रुप क्लास लेते हैं तो इसमें आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब कि आपको जस्ट पे करना पड़ेगा 2,000 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 2,000 ग्रुप क्लास, बट 1 to 1 में आपको 10,000 या 20,000, दो तो एक चूज करना है।